मशहूर टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के लीड एक्टर नकुल मेहता तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। लेकिन एक्टर किस वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है इसका खुलासा नहीं हुआ था। जैसे ही खबरें आई कि नकुल की सर्जरी हुई है, फैंस भी एक्टर के लिए परेशान हो गए कि नकुल को आखिर हुआ क्या है और तबीयत कैसी है। तो अब सर्जरी के बाद नकुल ने पहली बार कुछ कहा है और अपनी हालात के बारे में काफी बात शेयर की है। एक्टर ने अपनी हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही नकुल मेहता ने लेटेस्ट पोस्ट में अपनी बीमारी का भी खुलासा कर दिया। नकुल मेहता ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक्टर ने न केवल अपने ऑपरेशन के बारे में बताया बल्कि अपनी बीमारी का भी खुलासा इस पोस्ट में ही किया। एक्टर ने बताया कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। नकुल मेहता ने अपने इस पोस्ट में लिखा, मेरे मामा हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी हमेशा एक चॉकलेट के बॉक्स जैसी होती है। आपको नहीं पता होता कि आपको क्या मिलने वाला है। 24 घंटे से हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा होते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि शूटिंग इसके कारण रुक जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि आप सब कुछ प्लान नहीं कर सकते। मुझे कई मैसेजेस, कॉल्स और ट्वीट्स लोगों ने किए, इन्हें देखकर मैं अभिभूत हो गया। मुझे कुछ दिन लगेगा अपनी स्ट्रेंथ को फिर से जुटाने में और कॉफ़ी को दोबारा पीना शुरू कर देने में। लेकिन इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है और मैं सेंस ऑफ ह्यूमर का नहीं है। वेल, नकुल की तबीयत अब ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि नकुल की सर्जरी की खबर ना सबको हैरत में जरूर डाल दिया है।